राज कपूर के परिवार में ऐसे कई सदस्य हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। आज हम आपको बता दें, राज कपूर के अपने भाई शमी कपूर के बेटे आदित्य की पत्नी के बारे में भी बहुत कम ही लोग जानते हैं। सोशल मीडिया पर नहीं रहती हैं आदित्य राज कपूर के साथ उनकी पत्नी, इसलिए उनके बारे में बहुत कम ही लोगों को नॉलेज है। लेकिन ये अगर आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें आदित्य राज कपूर उनकी पत्नी की हैं। राजीव कपूर के गुजर जाने पर जब दिखाई नहीं दिए थे राजीव कपूर के ये भाई, सवाल खड़ा हुआ क्या थी वजह इसकी, क्योंकि आदित्य राज कपूर शमी कपूर के वो बेटे हैं जो कि शमी कपूर के काफ़ी करीब रहे थे। अब बात पूरे परिवार की हो रही है तो हम ये नहीं भूल सकते हैं कि शमी कपूर के परिवार में उनके बेटे और अगर बहू की बात की जाए तो सब जानते हैं कि आदित्य राज कपूर बॉलीवुड में आए तो हैं, साइड रोल में उन्होंने काफ़ी समय तक प्ले किया, लेकिन ज़्यादा बड़ी पहचान उन्होंने नहीं बनाई। अब अपनी वाइफ रेणुका के साथ अगर बात की जाए तो आशुतोष ने जब बर्थडे पार्टी दी थी तो आदित्य राज कपूर भी पहुंचे थे और अपनी पत्नी को लेकर पहुंचे थे। जी हाँ, ये बताना चाहेंगे हम आपको आदित्य राज कपूर के बारे में कि बॉलीवुड में काम कर चुके आदित्य राय कपूर ने अपनी पत्नी के साथ कई बार लंच डेट में परिवार वालों के साथ रहकर कदम बढ़ाया। लेकिन ये भी सब जानते हैं कि आदित्य राज कपूर बहुत ज़्यादा अलग रहे हैं, बॉलीवुड के पर्दे से काफ़ी ज़्यादा वो जुड़े हुए नहीं रहे हैं, इसलिए राजीव कपूर के गुजरने पर उन्हें जब नहीं देखा गया तो लोगों को ज़्यादा बड़ा सदमा नहीं लगा, क्योंकि वो बहुत कम ही लोगों के बीच रहे हैं। वैसे आपको बताना चाहेंगे कि शमी कपूर से ही तुलना की जाती थी राजीव कपूर की, राज कपूर के बेटे की, जिनका 9 फरवरी को निधन हो गया, जिसके वजह से आप जान सकते हैं कि राज कपूर के बेटे राजीव की करियर बड़ी नहीं बनी, क्योंकि शमी कपूर से उनका चेहरा बहुत ज़्यादा मिलता था। प्रीति कपूर से साल 1962 में आदित्य राज कपूर की शादी हुई थी। और बात की जाए राजीव कपूर के बारे में तो राजीव की भी शादीशुदा ज़िंदगी खास नहीं रही, और राजीव की अंतिम यात्रा में जब उनकी भाभी भी शामिल नज़र नहीं आई तो फिर लोगों के बीच सवाल तो थे ही, तो ये वो भाभी है जो कि मीडिया की लाइमलाइट से कोसों दूर रही है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।